हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बाजार का हाल लेके। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में क्या क्या हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 97 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ इस हफ्ते, जो कि करीब 1.06% है। वही बैंक निफ्टी में इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली, 1550 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ वीक ऑन वीक, जो कि करीब 8.2% बनता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमें फार्मा और आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एफएमसीजी और ऑटो में भी कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में हमें खरीदारी देखने को मिली। अगर हम लूजिंग सेक्टर्स की बात करें तो पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के शेयरों में हुई, और इन सेक्टोरल इंडेक्स में हम 6-8% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अलावा रियलिटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर में भी अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिली। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो डाउ जोन्स, हैंगसेंग और निफ्टी, ये तीनों नेगेटिव में इस हफ्ते क्लोज रहे। डाउ जोन्स और हैंगसेंग में करीब 3-4% का फॉल हमें देखने को मिला। वही लंदन का फुटसे और जापान का निक्केई पॉजिटिव में क्लोजिंग दिखाया। और इन ग्लोबल इंडेक्सेस में सबसे अच्छा एफटीएसई 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया। अगर हम एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 144 एफएनओ स्टॉक्स, 55 ने इस हफ्ते ऊपर की क्लोजिंग दिखाई और 89 स्टॉक्स ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखाई। अगर हम निफ्टी टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर करीब करीब नॉर्मल रहा, 25,000 से 33,000 के बीच रहा, जो कि करीब करीब नॉर्मल वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी एक्सेप्शनल देखने को नहीं मिला। अगर हम FII और DII बाइंग सेलिंग की बात करें तो FII ज़्यादातर सेलिंग रहे, वो धीरे धीरे चुपके चुपके सेलिंग करते रहे, और DIIs ने थोड़ी बहुत बाइंग की जो कि FII के सेलिंग से काफ़ी कम रही। अगर हम टॉप वीकली जेनर्स की बात करें तो ज्यादातर स्टॉक्स टेलीकॉम, आईटी और फार्मा के रहे। इसमें से आइडिया, आईटीसी और सिप्ला, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 12-13% का। वहीं अगर हम फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो उसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली और काफी शेयरों ने 15-20% का नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया पिछले हफ्ते। तो अगर हम इन डेटा पॉइंट्स का कंक्लूजन निकालें तो नंबर वन कंक्लूजन ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हेवी सेलिंग हो रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। और बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ये अपने 52 वीक्स के लोएस्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो बिकवाली हो रही है, वहां से जो पैसे को निकाला जा रहा है, उसे कुछ हद तक डिफेंसिव सेक्टर्स यानी कि आईटी और फार्मा में लगाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बाजार में जो लोग पैसा रखते हैं वो बाजार में ही ज़्यादातर रखना पसंद करते हैं, हर कोई डेट मार्केट में पैसा नहीं ले जाता है। तो यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि जो बीटन डाउन सेक्टर से वहाँ से पैसा निकाल कर उन्हें जो रिलेटिवली सेफ सेक्टर्स से हैं उनमें पैसा लगाया जा रहा है। तीसरा जो कंक्लूजन हमें दिख रहा है कि कैश मार्केट में कहीं पर भी एग्रेसिव बाइंग का कोई साइन हमें नहीं दिख रहा है। आइए अब हम पिछले हफ्ते कुछ की डेवलपमेंट्स जो हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। हमें ये खबर पढ़ने को मिली कि चाइना ने लद्दाख रीजन में अपने काफ़ी सारे आर्मी के लोगों को लगा दिया है। हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी लद्दाख रीजन में विजिट किया है और एक स्थिति का जायजा लिया है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमें सुनने को मिला कि नेपाल के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, जो कि हमेशा से हमारा एक एलाई रहा है। दूसरा, हम थोड़े कोरोना के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारा जो काउंट है, इन्फेक्टेड काउंट, वो 1.3 लाख के करीब पहुंच चुका है और हमने कनाडा और चाइना को भी पछाड़ दिया है और बहुत जल्दी हम शायद ईरान को भी पछाड़ देंगे। कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, स्थिति संभलने का कोई हमें साइन नहीं दिख रहा है और हमें पता है कि मार्केट में ये जो क्राइसिस है वो इसी वजह से आई है। तो इन स्टैटिस्टिक्स पर आप लोग जरूर ध्यान रखिए। तीसरी जो खबर आई
आरबीआई ने रेपो रेट में करीब 40 बेसिस पॉइंट का कट किया है, तो करेंट रेपो रेट अभी फिलहाल 4% पे है, जो कि काफी लोएस्ट लेवल पर है। जिन लोगों को रेपो रेट के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि जो बैंकों का बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई होता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक किस रेट पर आरबीआई से कर्जा लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बैंक आरबीआई से कर्जा लेकर अपने कस्टमर्स को कर्जा देते हैं, तो एट प्रेजेंट रेट के हिसाब से जो हमारे बैंक्स हैं वो 4% पर आरबीआई से लोन लेकर 12% 14% 15% पर अपने कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अनाउंसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा, बाजार इस अनाउंसमेंट के बाद भी नहीं संभला और बैंक निफ्टी में खास करके हमें करीब 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मत करिए, क्योंकि आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बाजार और गिर जाता है और बहुत से लोगों को लॉस हो जाता है। अच्छा रहेगा आप जो भी डिसीजंस लेते हैं उसे एक सर्कुलर बना के पब्लिश कर दीजिए, जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेगा। आपके सामने आकर बयानबाजी करने से बाजार में ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चौथा जो डेवलपमेंट हुआ, चौथा डेवलपमेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर। दोस्तों, यूएस ने अभी एक नया लॉ पास किया है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो चाइनीज कंपनी में चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो यूएस के एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती है। चूंकि चाइना में लॉज काफी सीक्रेट है, इसलिए ये पता नहीं चल पाता है कि किस कंपनी में चाइनीज गवर्नमेंट का कितना स्टेक है या कंट्रोल है। तो यूएस ने कहा है कि जो भी चाइनीज कंपनी यूएस में लिस्टेड है उसका एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट की कितनी भागीदारी है या कितना कंट्रोल है। और अगर ये साबित होता है कि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उन्हें यूएस एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं करने दिया जाएगा और इसकी वजह से अलीबाबा टाइप कंपनी को शायद यूएस मार्केट से डीलिस्ट होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पर आएगा। और अब हमें देखने वाली बात यह है कि चाइना इसके लिए रिएक्ट करता है और वो क्या एक्शन लेता है। तो ओवरऑल जो है, यहां पर इस न्यूज की वजह से बाजार में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ये हमारे इंडियन मार्केट्स को भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन, तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी का बेटा फेल हो गया तो हम ये मान लें कि हमारा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एफएनओ डेटा की बात कर लेते हैं कि एफएनओ मार्केट में क्या हो रहा है, मई के पीसीआर की बात करें तो यहां पे हमें माइनर बुलिशनेस दिख रही है। जून के डेटा में भी हमें माइनर बुलिशनेस दिख रही है, पर वो बुलिशनेस थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हम पीसीआर का नेट डेटा देखें तो वहां पे हमें थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है। तो ऑप्शंस डेटा थोड़ा बहुत बुलिश सिचुएशन दिखा रहा है। वहीं अगर हम फ्यूचर्स डेटा की बात करें तो वहां पे हमें बेरिशनेस दिख रही है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में फॉल के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि शॉर्ट पोजीशंस काफी क्वांटिटी में बनाई जा रही हैं। तो एक तरीके से ये एफएनओ मार्केट में नेगेट हो गया, क्योंकि ऑप्शंस में लोग बुलिश हैं और फ्यूचर्स में लोग बेरिश हैं। तो यहां पे हमें एक तरीके से कोई खास बुलिशनेस में नहीं दिख रही है। दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं कि इस हफ्ते बाजार को कहां जाना है। दोस्तों, हम आपको पिछले कुछ हफ्ते से बोल रहे हैं कि बाजार का ट्रेंड नीचे ही है, बाजार को अभी तक काफी गिर जाना चाहिए था, लेकिन रिलायंस इशू की वजह से बाजार थोड़ा सा रुका रहा। आइए इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कैसे जब भी बाजार में कोई बड़ा इशू आता है, कोई आईपीओ आता है या कोई भी इशू आता है, तो बाजार को संभाल के रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इस खेल को थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बाजार से पैसा उठाती है तो वो एक लीड मैनेजर या अंडरराइटर को हायर करती है। अंडरराइटर वो होते हैं जो आपका आईपीओ या आपका इशू को पूरा मैनेज करते हैं। तो अंडरराइटर बोलता है कि आपको बाजार से जितना भी पैसा उठाना है,
हम गारंटी देते हैं कि आप उठा पाएंगे, और अगर नहीं उठा पाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे, और बदले में वो करीब 4-5-6% या 10% तक उस इशू का लेता है। अब अगर आप रिलायंस की बात करिए, अगर मान लीजिए बाजार करेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली रिलायंस के भी चांसेस है करेक्ट होने के या गिरने के। तो अगर रिलायंस का भाव गिर जाएगा तो राइट्स इश्यू में कौन सब्सक्राइब करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इस वजह से बाजार को थोड़ा रोक के रखा गया और रिलायंस का प्राइस भी आप देखिए अचानक से बढ़ा, ताकि लोग को राइट्स इश्यू सस्ता लगे, वो इसे खरीद सके। तो दोस्तों सोचिए, ये इतना बड़ा इशू है 53,000 करोड़ का, तो इस इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस बियर मार्केट में लोगों को कितना काम करना पड़ा होगा। दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, FIIs हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, ये अपने आप में तो यूनाइटेड रहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ हम लोग हैं, हम लोग के पैसे से ही ये पैसा बनाते हैं। तो मैं इस बारे में आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, ज़्यादा खुलासा तो नहीं करूँगा, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप अगर समझ सकते हैं तो समझिए। दोस्तों जब हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे तो अक्सर आपको पता है हॉस्टल्स में लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता है, और क्या होता है हॉस्टल्स में कि हर हॉस्टल में एक लोकल दादा होता है। तो जब एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में मान लीजिए आप मारपीट करने को जाता है, तो सबसे पहले उस लोकल दादा के पास जाता है और बोलता है कि हम इस फलाना बंदे को कल 8 बजे रात में मारने आएंगे, आपको कोई समस्या तो नहीं है ना? तो लोकल दादा बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए मारिए, मैं तो 7 बजे ही निकल जाऊंगा फिल्म देखने, आप लोग आके मार के चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन वो लोकल दादा बोलता है कि ठीक है, लेकिन कल अगर मैं आपके हॉस्टल में मारने आऊंगा तो आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है। अब अगले दिन वो लोग जाके उस हॉस्टल में मारपीट करते हैं, आराम से आ जाते हैं, और जब रात में जब वो लोकल दादा फिल्म देखकर आता है तो बोलता है अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं तो ये करने ही नहीं देता। तो इस तरीके से खेल चलता है। आशा है आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी बच्चों की शादियाँ होती हैं, वहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जाके नाच करते हैं, गाना गाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, तो मैं आपको बता दूँ वो सारी पार्टियाँ आपके पैसे से ही होती हैं, आपका ही पैसा होता है वो, और आपको तो बुलाया भी नहीं जाता वहाँ, और आप YouTube में उन वीडियोज़ को देख देख के खुश हो लेते हैं। तो ये है हमारे फाइनेंशियल मार्केट की सच्चाई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और बाजार में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों रिलायंस इशू अब पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बाजार के गिरने की स्पीड बढ़ेगी। कुछ टाइम पहले हमने आपको एक टारगेट दिया था कि बाई जून 30th निफ्टी 7700 तक जाएगा, उस टारगेट को अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। अब सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं और निफ्टी को 1350 पॉइंट्स गिरना है, तो हमें अभी भी पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये टारगेट मीट होगा। अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो मैं आपके सामने आकर सिचुएशन का अपडेट आपको दूंगा। जब तक मैं आपको वो अपडेट नहीं दे रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि 7700 इज द नेक्स्ट स्टॉप फॉर निफ्टी। अब अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी हमें क्या करनी चाहिए, हमें शॉर्ट साइड पे ही रहना है। हमने आपको पहले भी कहा कि दिस मार्केट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट, तो जब भी आपको बाजार में एक राइज मिले आपको सेल का ही सोचना चाहिए। तो 9130 इज अ वेरी गुड लेवल टू शॉर्ट द निफ्टी। अगर ये बाउंस मिलता है तो हमें इसे उस वक्त आइडियली सेल करना चाहिए, लेकिन बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप हेजिंग करके काम करें और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में काम करें। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और काफी स्ट्रेटजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएंगी। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप
हमसे YouTube फोरम के थ्रू जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।